हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके रियलमी C31 फ़ोन में कॉल नॉट सेंट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C31 फ़ोन है उसमें आप लोग कॉल कर रहे हो लेकिन कॉल जो है वो सेंट नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं एरोप्लेन मोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके फ़ोन में जो है एरोप्लेन मोड ऑन है तब भी जो है आप लोगों के फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इसको चेक कर लेना गाइस, ये बहुत ही आसान जगह पे है। आप लोग देख सकते हो ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते ही ये मिल जाता है, तो कोई भी जो है इसको यहाँ पर से ऑन कर सकता है। तो इसको ज़रूर से चेक कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये एरोप्लेन मोड ऑन है तो इसको यहाँ पर से ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ करते ही आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से ऊपर में और एक ऑप्शन होगा गाइस डू नॉट डिस्टर्ब का। तो अगर आपके फ़ोन में ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी ऑन होगा तब भी जो है आप लोगों को कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान जगह पे है तो इसको भी कोई भी ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग इसको भी ज़रूर से चेक कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है तो इसको यहाँ पर से ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट का। तो इस नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जो है आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का। तो इस मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सिम से रिलेटेड सभी यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इस वोल्टी का। तो अगर आपके फ़ोन में जो है ये वोल्टी का ऑप्शन ऑफ है तब भी जो है आप लोगों को कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इस वोल्टी के ऑप्शन को देखना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। ये ऑन करने से आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपका जो कॉल करने का पर जो वॉइस क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो इसको ज़रूर से ऑन करके रखिए। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का। तो अगर आपके फ़ोन में ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप 2G ओनली पे सेट है तब भी जो है आप लोगों को कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से इस पर क्लिक करके चेक कर लेना है। अगर ये 2G ओनली पे सेट है तो इसको एकदम मैक्स सेटिंग्स में सेट करना है। मतलब आपके फ़ोन में अगर 5G सपोर्ट करता है तो 5G में सेट कर सकते हो और अगर 4G सपोर्ट कर सकता है तो 4G में सेट कर सकते हो। मतलब जो भी आपके फ़ोन में मैक्स सेटिंग होगा उस पर सेट कर दीजिए। फ़िलहाल मेरे फ़ोन में 4G सपोर्टेड है तो मैं 4G पे क्लिक कर दूंगा। 4G पे क्लिक करते ही ये जो है 4G में सेट हो जाएगा और आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एकदम लास्ट में देख सकते हैं एक ऑप्शन है एक्सेस पॉइंट नेम्स का। तो इस एक्सेस पॉइंट्स नेम पे क्लिक कर देंगे। इसको गाइस शॉर्ट फॉर्म में APN सेटिंग्स भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें क्या करना है गाइस, इस APN सेटिंग को यहाँ पर से रीसेट कर देना है। तो रीसेट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ, तो इस 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का APN सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा और APN सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहेगा तो यहाँ पर से आप लोग और एक सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो इस सिस्टम पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन होगा तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर रीसेट करने के लिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर और एक इजी स्टेप बता देता हूँ गाइस। आप लोगों को सेटिंग्स में आना है और वह ऊपर में सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट लिख दीजिएगा, इस स्पेलिंग देख सकते हैं। रीसेट लिखते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पहला वाला ऑप्शन देख सकते हैं पर मार्क हो रहा है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नीचे रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आया है तो हम फिर से क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, और नेटवर्क सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C31 फ़ोन में कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।